শুভ নববর্ষ, আ ভেরি হ্যাপি বেঙ্গলি নিউ ইয়ার টু অল মাই ভিউয়ার্স। বিং আ বেঙ্গলি, আই নো দ্য ইম্পর্টেন্স অফ আ ভেরি বিউটিফুল গর্জিয়াস বেঙ্গলি মেকআপ লুক। সো আজকে এস ভিডিও মে আপ লোগো কে সাথ শেয়ার করতে যা রহি হুম মেরা নববর্ষ স্পেশাল মেকআপ লুক, জো মেনে খুদ সে ক্রিয়েট কিয়া হ্যায়, এন্ড দিস ইজ মাই গো টু লুক ফর এনি ওকেশন where I am wearing a sari or anything ethnic. Welcome back to my channel. This is me, Shiny. Make sure video pasand aaye, video ko like kare, share kare and don't forget to subscribe to my channel. So, let's get started. जितने भी प्रोडक्ट्स को मैंने इस्तेमाल किया है इस लुक को क्रिएट करने के लिए, सारे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है। इंडिविजुअल लिंक्स भी है, माई हॉल स्टोर का लिंक भी है, जहां पर क्लिक करके आप इन सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ चेकआउट कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो उसे इंडिविजुअली भी आप डायरेक्टली फ्रॉम अमेजन परचेज कर सकते हैं। बेंगालीज हैव ब्यूटिफुल आईज एंड बींग अ बेंगाली आई एम प्राउड टू से दैट येस वी लव टू एनहांस आवर फीचर्स स्पेशली आवर आईज। तो इसीलिए काजल्स एंड कोल और स्मोकी आई लुक, इस तरीके के सिंपल येट गॉर्जियस स्मोकी लुक्स क्रिएट करना हमें बहुत ज्यादा पसंद है, एंड इट गोज रियली वेल विद एनी काइंड ऑफ साड़ी और एथनिक लुक्स। सो इसीलिए आज के इस नववर्ष स्पेशल मेकअप लुक में मैंने इस लुक को शेयर किया है, जो कि एक सिंपल येट गॉर्जियस समर फ्रेंडली एक स्मोकी काइंड ऑफ आई लुक है। सो चलिए अब देख लेते हैं इसे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप खुद से घर पे क्रिएट कर सकते हैं। समर सीजन में स्किन केयर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो मेकअप है वो फ्लॉलेस दिखेगा तभी जब आप अच्छे से अपने स्किन को प्रेप करेंगे। इसीलिए सबसे पहले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ गुड वाइब्स का कुकुम्बर टोनर। समर सीजन में कुकुम्बर टोनर बेस्ट वर्क करता है और टोनर हमारे पोर को एकदम अच्छी तरीके से लॉक कर देता है। नेक्स्ट मैं जैन एंड मैजा का विटामिन सी सीरम इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सीरम आजकल मुझे अच्छा लग रहा है एंड इट इज़ अ वेरी अफोर्डेबल सीरम एज वेल। ये एक डे टाइम मेकअप लुक है, इसीलिए मैंने सनस्क्रीन भी अप्लाई किया है। ये है लोटस ऑर्गेनिक्स का सनस्क्रीन जेल। ये मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ना कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ता। नेक्स्ट मैं अपने फेस पर इस्तेमाल कर रही हूँ ये NYB का कलर करेक्टिंग प्राइमर इन द शेड ग्रीन। ये कलर करेक्टिंग प्राइमर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, स्किन को ना एकदम स्मूथ बना देता है, पोर्स को भी एकदम अच्छी तरीके से लॉक कर देता है एंड मेकअप इसके ऊपर पूरा ग्लाइड होता है। नेक्स्ट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एले गर्ल प्रो कंसीलर इन द शेड क्रीमी बेज। ये शेड मेरे स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क है, इसीलिए मैं इसे करेक्टिंग कर रही हूँ अपने पिगमेंटेड एरियाज एंड अंडर आईज पर, एंड ये काफ़ी अच्छा कवरेज वाला कंसीलर है। नेक्स्ट मैं अपने फेस पर इस्तेमाल कर रही हूँ मेबेलिन फिटमी का 128 शेड, जो कि है वॉर्म न्यूड। ये शेड मेरे स्किन से थोड़ा सा डार्क है अभी, बट इट्स अ परफेक्ट मैच आई वुड से, क्योंकि अभी मैं घर पे हूँ, स्किन बिल्कुल भी टैन नहीं है इसीलिए थोड़ा डार्क लग रहा है। तो इसे मैं अच्छी तरीके से फिंगर टिप्स की मदद से ही ब्लेंड करूंगी, स्प्रेड करके मैं ब्लेंड कर रही हूँ इस तरीके से। एंड डोंट फॉरगेट योर नेक, नेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज जो डिफरेंस है नेक और फेस में वो नजर आएगा, विच विल नॉट लुक गुड एट ऑल। नेक्स्ट मैं मेबेलिन फिटमी का कंसीलर इस्तेमाल कर रही हूँ इन द शेड 20 सैंड। इसे मैं एज अ ब्राइटनिंग कंसीलर इस्तेमाल कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करूंगी, बस थोड़ा सा अपने अंडर आई एरिया को, इनर कॉर्नर्स ऑफ आईज को लिफ्ट देने के लिए, थोड़ा सा ब्राइटन बनाने के लिए और अपने पिगमेंटेड एरियाज पर काफ़ी कम क्वांटिटी में। नेक्स्ट मैं ब्लू हेवन का ऑयल फ्री कॉम्पैक्ट इस्तेमाल करूंगी। ये एक ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट है, दिस इज एन अमेजिंग कॉम्पैक्ट। लुकिंग एट द प्राइस पॉइंट आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, दिस इज गुड फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, फॉर टीनेजर्स। ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था इसे इस्तेमाल करने का एंड आई लव्ड इट। नेक्स्ट मैं ब्लू हेवन का ही ये वाला ब्राउ पेंसिल, ब्राउ डिफाइनर रादर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। दोनों साइड में ना इसमें आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, सो दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग। और ये मुझे अमेजन पे नहीं मिल रहा था, तो सिर्फ जो ब्राउ पेंसिल है उसका ही मैंने लिंक आप लोगों को प्रोवाइड किया है, बट डेफिनेटली इट विल बी बैक ऑन स्टॉक वेरी सून। और इससे मैं अपने आईब्रोज को एकदम नेचुरल शेप देकर फिल इन कर रही हूँ। मेकअप रेवोल्यूशन का रीलोडेड पैलेट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये है वेलवेट रोज वेरिएंट। और इससे जो ट्रांजिशन शेड है उसे मैं अपने एक ब्लेंडिंग ब्रश से उसे मैं अपने आईलिड पर अप्लाई करूंगी। एंड नेक्स्ट आई एम यूजिंग द जैन एंड माइजा का आई पेंसिल। ये काजल मुझे अच्छा लगा बिकॉज ऑफ द प्राइस पॉइंट, ये पिगमेंटेड है बट बहुत ही ज़्यादा ड्राइंग है, बहुत ईजिली ये ड्राई हो जाता है। सो उसके तुरंत बाद ही मैं इस तरीके के एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से, स्मजर ब्रश की मदद से मैं इसे
स्मज कर रही हूँ अच्छी तरीके से। नेक्स्ट मैं इस ब्लैक आई शेडो को ले रही हूँ एंड इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हल्का हल्का करके स्मज करूंगी। फिर मैं इस फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश से इसे मैं अच्छी तरीके से स्मज करूंगी ताकि वो जो स्मजिंग इफेक्ट है वो अच्छी तरीके से आए और कोई हार्श एजेस ना रहे। नेक्स्ट मैं एक फाइनल फिनिश दे रही हूँ लैश लाइन के करीब करीब, एक मैं ड्रॉ कर रही हूँ लाइन यूजिंग दिस काजल और अपने वाटर लाइन को भी फिल करूंगी बोथ अपर एंड लोअर। इससे ना आईज काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। और फिर मैं लोअर वाटर लाइन की जो काजल है उसे हल्का हल्का स्मज आउट करूंगी सिर्फ आउटर कॉर्नर्स पर, ज़्यादा हमें स्मज नहीं करना है। एंड मैंने दोनों आईज पर ही ये सेम आई लुक क्रिएट किया है। नेक्स्ट मैंने वेट एंड वाइल्ड का जो हाइलाइटिंग पाउडर है इन द शेड प्रेशियस पेटल्स, उससे मैंने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट किया है। जब भी आप कोई डार्क आई लुक ट्राई कर रहे हैं तब इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करना ज़रूरी है ताकि आईज ज़्यादा ड्रूपी ना लगे, आईज में वो जो ब्राइटनेस है वो शाइन है वो ऐड हो जाए। नेक्स्ट मैंने इस्तेमाल किया है ब्लू हेवन एक्सट्रीम मस्कारा, ये भी मैं फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रही हूँ एंड मुझे ये तो मार्स के मस्कारा से भी बेटर लगा बिकॉज प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू मार्स मस्कारा। एट द सेम टाइम इसका जो वॉन्ड है ना वो काफ़ी अच्छा है, एप्लीकेशन के लिए काफ़ी सही रहता है। कॉन्टूरिंग किया है मैंने सेम जो मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट है वहाँ से मैंने कॉन्टूरिंग शेड लेकर अपने नोज को, चीक बोन्स को, जॉ लाइन को अच्छी तरीके से कॉन्टूर करके फिर मैंने उसे अच्छी तरीके से ब्रश से ब्लेंड किया है। ब्लेंडिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट, वरना वो जो हार्श एजेस है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो पूरा आर्टिफिशियल दिखता है। इसीलिए हमेशा कॉन्टूर, ब्लश, इन चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कीजिए। सेम पैलेट से मैंने एक हल्का सा ब्राउनिश काइंड ऑफ शेड लिया है, रेडिश एंड ब्राउनिश मिक्स्ड एक रस्ट कलर लिया है, उससे मैं एज अ ब्लश अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज ये एक कूल टोन मेकअप लुक है तो इसीलिए मैं कोई पिंकी सा ब्लश नहीं अप्लाई करना चाहती थी। स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर मैंने लिया है एंड उससे मैं अपने मेकअप को फिक्स कर रही हूँ। समर सीजन में मेकअप फिक्सर्स मस्ट बी यूज्ड। नेक्स्ट मैंने मेबेलिन का मिस्टीरियस मॉकर शेड लिया है, ये क्रीमी मैट रेंज है और उसे मैंने अप्लाई किया है बट ये अभी आउट ऑफ स्टॉक है अमेजन पर तो इसीलिए मैंने आप लोगों को लिंक प्रोवाइड किया है एक शेड का जो है टच ऑफ स्पाइस, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से जाएगा इस लुक के साथ। हाइलाइटर अप्लाई करके मैंने इस लुक को कंप्लीट किया है। सो दिस इज माय फाइनल फिनिश्ड लुक। So that's all for today's video. Ye look pasand aaye, then don't forget to like this video, share this video and don't forget to subscribe to my channel for more such videos. Aaj ke liye tha, stay blessed, stay happy. Once again, Shubho Navo Borsho. Bye.